दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक है किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। औरंगाबाद के बारूण प्रखंड कार्यालय के पास स्थित गौतम बुद्ध सभागार में जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने ODF को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के बीच ODF को पूरा करने का लक्ष्य रखा। जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल जुलाई तक 53% ODF का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और दिसंबर 2018 तक हर हाल में संपूर्ण जिले को शौच मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। शौचालय बनाने का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। ज्ञात हो कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट से की थी। इस मिशन को पूरा करने का लक्ष्य राष्ट्रपिता के 150वीं पुण्यतिथि यानी 2 अक्टूबर 2019 तक का रखा गया है। जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने आम लोगों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग शौचालय का इस्तेमाल करें और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य है कि जिले के सभी घरों में दिसंबर 2018 तक शौचालय बना दिया जाए। इसके लिए हर गांव में विशेष शिविर और प्रचार प्रसार का आयोजन किया जा रहा है। वहीं लोगों में जागरूकता लाने के लिए पड़ोस के ODF हो चुके रोहतास जिले के जनप्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम में बुलाया गया है। इस कार्यशाला में शौचालय न होने की वजह से होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी दी गई। हमें 31 दिसंबर 2018 का लक्ष्य है। औरंगाबाद जिले को अभी हमारा 53% से ज्यादा काम हुआ है, अभी और हमें 47% करना है। अलग अलग ब्लॉक में हम लोग साप्ताहिक बैठ के कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का सहयोग मांग रहे हैं। उसी क्रम में आज बारून में हम लोग आए हैं। जून तक प्रगति काफ़ी धीमी थी, जुलाई में कुछ बढ़ा है बारून, अगस्त में 60% से ज़्यादा 65 तक जाने का इनका लक्ष्य है। इसे करते करते अगले 3 महीने में ये 100% तक पहुँचेंगे। उसी की आज कार्यशाला है। रोहतास नासरीगंज से भी आए हुए हैं हमारे माननीय, जिन्होंने पहले ये काम किया है, उनके अनुभव और स्थानीय लोगों की मदद से निश्चित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। औरंगाबाद में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय आर्यन महाजन नाट्य परिषद के प्रांगण में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन ASP अभियान नगर थाना अध्यक्ष राजेश वर्णवाल, मुफस्सिल इंस्पेक्टर कृष्णनंदन वर्मा तथा संस्था से जुड़े लोगों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर संस्था के जुड़े लोगों के अलावा दर्जनों लोगों ने रक्तदान दिया। बाद में संस्था के राहुल कुमार ने रक्तदान को जहां महादान बताया, वहीं मौके पर मौजूद SP अभियान राजेश कुमार ने कहा कि रक्तदान सबों के लिए बहुत जरूरी है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि रक्त के अभाव में किसी की भी जिंदगी खतरे में न पड़ सके। ब्लड की जरूरत होती है, बहुत ऐसे लोग जिनको ब्लड समय पर उपलब्ध नहीं होता है, ये लेके हम लोग साल में 3 बार रक्तदान शिविर आयोजन आर्यनाथ लगाए हुए हैं। आज भी है 20 से 25 यूनिट, एक साल में हम लोग 100 कुछ यूनिट कर चुके हैं
और हम लोग का उद्देश्य है समाज सेवा करना और ऐसे ऐसे तमाम समाजी काम लगातार हम करते रहे। ब्लड प्रिवेंशन कैंप का उद्देश्य है कि किसी को जरूरत पड़ने पर, चाहे दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हो या किसी की इमरजेंसी हो, उनको सही समय पर खून देकर के जान बचाई जाए। और ये एक बहुत ही नेक काम है और मैं आह्वान करता हूँ लोगों से कि अपना कीमती ब्लड देकर दूसरे का जान बचाए। औरंगाबाद के दाऊद नगर में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तेज नारायण राय की अध्यक्षता में ओडीएफ को लेकर प्रखंड कार्यालय सभा कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक, विकास मित्र एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत उनके कार्यों की समीक्षा की गई और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक इस प्रखंड में 53% लक्ष्य को पूरा किया गया है। उन्होंने सभी को निर्देश भी दिया है कि एक सप्ताह के भीतर कम से कम 7% और लक्ष्य को पूरा करें। यदि 7% के लक्ष्य को 15 अगस्त से पहले पूरा कर लेंगे तो इस प्रखंड की उपलब्धि 60% हो जाएगी और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में पंचायत स्तरीय मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है जो नियमित तौर पर गांवों में जाकर ग्रामीणों को शौचालय निर्माण के लिए जागरूक करेंगे और शौचालय विहीन घरों में शौचालय का निर्माण कराने के लिए प्रेरित करेंगे। ग्रामीणों को जागरूक करते हुए यह बताएंगे कि शौचालय बनाना क्यों जरूरी है। अभी तो हम लोग का एक ही मिशन मोड में चल रहे हैं, पूरे प्रखंड को ओडीएफ घोषित करना है। इसी क्रम में इस प्रखंड के 15 पंचायत में टीम गठित की गई है। हर टीम में 5-6 मेंबर हैं। उनकी समीक्षा बैठक अभी की गई है, उनका क्या प्रोग्रेस है, कितने फॉर्म कलेक्शन करके ला रहे हैं, कितना नया कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। अभी हम लोग 60% के टारगेट कवरेज को लेकर चल रहे हैं कि हमारा कवरेज जो है कम से कम 60% हो जाए और 53% तक हम लोग पहुंच गए हैं और 7% तो उम्मीद रखते हैं कि हम लोग एक सप्ताह कवर कर। आज हमने सब लोगों को टारगेट दिया है कि हमारा जो 7% बचा हुआ है उसके लिए हमने टारगेट दिया है पर पंचायत को कि इतने कंस्ट्रक्शन और फंड कलेक्शन करके ला दें तो टारगेट हो जाए। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। बिनो ट्यूटोरियल हमारे यहाँ सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। नामांकन जारी है। हमारे यहाँ दिव्यांगों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अवश्य संपर्क करें। विनोद ट्यूटोरियल अनुग्रह मेरिट स्कूल के नजदीक औरंगाबाद। रेड क्रॉस औरंगाबाद की दाऊद नगर शाखा के सदस्यों की एक आपात बैठक रेड क्रॉस सोसाइटी औरंगाबाद के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक का संचालन दाऊद नगर शाखा के सचिव डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने किया। बैठक के दौरान डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने कहा कि रेड क्रॉस आपदा की स्थिति में पीड़ितों की सेवा करने का एक सशक्त माध्यम है। रेड क्रॉस के सदस्यों द्वारा लगातार कई वर्षों से आपदा की स्थिति में पीड़ितों तक आवश्यक सहायता पहुंचाई जाती रही है। सदस्यों द्वारा लगातार रक्तदान भी किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस की दाऊद नगर शाखा के कार्यालय का उद्घाटन जल्द ही जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल द्वारा किया जाएगा। दाऊद नगर में कार्यालय खोलने का उद्देश्य यह है कि इस संस्था द्वारा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक कार्य किया जा सके। बैठक समाप्ति के उपरांत रेड क्रॉस के अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों ने एसडीओ कार्यालय पहुंचकर एसडीओ अनीस अख्तर से मुलाकात की। दाऊद नगर शाखा के सचिव ने कहा कि एसडीओ द्वारा कार्यालय के लिए अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक कमरा उपलब्ध कराने के प्रति आश्वस्त किया गया है जिसमें डीएम राहुल रंजन महिवाल द्वारा रेड क्रॉस के दाऊद नगर शाखा के कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। जहां एक कर्मचारी की तैनाती भी स्थानीय शाखा द्वारा की जा रही है वहीं उद्घाटन समारोह की तैयारी भी पूरी कर ली गई है।
भारतीय रेड क्रॉस की दाऊद नगर शाखा के लिए आज ये बहुत हर्ष का बात है कि आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी ने हम लोगों के कहने पे कार्यालय के लिए भवन उपलब्ध कराया है और उम्मीद है कि जल्द ही या संभवतः कल ही आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय उस कार्यालय का उद्घाटन कर देंगे। इसके बाद अभी तक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का यहाँ पे 98 कार्यकर्ता हैं, हम लोग और भी युवाओं को जोड़ेंगे, जूनियर रेड क्रॉस का भी विस्तार किया जाएगा और हमारा उद्देश्य है कि युवाओं को रेड क्रॉस से ज़्यादा जोड़ना, रक्तदान कराना, रक्त की उपलब्धता कराना, क्योंकि आज सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ गई हैं, रक्त की कमी के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसमें रेड क्रॉस की महती भूमिका होती है और वह रक्तदान करा करके लोगों से वॉलंटियरली रक्त अधिकोष के लिए खून जमा करता है जो एक्सीडेंट के समय लोगों के काम आ जाता है। उसके अतिरिक्त अभी बरसात का समय है, कई घर बरसात में गिर जाते हैं, वहाँ रेड क्रॉस के कार्यकर्ता जाते हैं और अपने पास जो भी हम लोग के पास संसाधन उपलब्ध होता है आपस में इकट्ठा करके इन्हें पीड़ित लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। गर्मियों में जब आग लगी की घटनाएँ घटती हैं तो अगर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किट उपलब्ध नहीं भी कराया जाता तो हमारे सदस्य आपस में या फिर मैं खुद भी किट बना करके लोगों की मदद करता हूं और रेड क्रॉस का विस्तार किया जाएगा। अब रेड क्रॉस के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी क्योंकि हमारे पास कार्यालय होगा, हम अब विधिवत रूप से रेड क्रॉस यहां पे कार्य करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रफीगंज में सेल्फी अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत रफीगंज प्रखंड में आने वाली प्रत्येक उच्च विद्यालय, प्लस टू विद्यालय तथा महाविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा सेल्फी ली जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बताया कि स्कूली छात्र छात्राओं में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने को लेकर परिषद के सदस्यों द्वारा विभिन्न स्कूलों में जाकर सेल्फी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 250 कार्यकर्ता रफीगंज प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में जाकर स्कूली बच्चों के साथ सेल्फी लेते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और हर संभव उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। मैं उच्च विद्यालय भदवा प्रभारी, हमारे यहाँ विद्यार्थी परिषद से हमारे बच्चों को के बीच में बहुत अच्छा संदेश दिए कुछ शिक्षा के बारे में और किसी प्रकार का कोई अगर यहाँ पर त्रुटि होती है इनके बारे में इन्होंने जायजा लिया और कहा कि कभी भी किसी तरह का कोई शिकायत हो हमें कहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सेल्फी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एबीवीपी के कार्यकर्ता सभी उच्च विद्यालय, प्लस टू विद्यालय तथा महाविद्यालय में जाकर छात्र छात्राओं के साथ सेल्फी लेते हैं और वहाँ के विद्यालय एवं महाविद्यालय में समस्या के बारे में जानते हैं और उस समस्याओं को हल करने के लिए कोशिश करते हैं। छात्रों को राष्ट्रीयता भाव में लाना कैसे हम लोग छात्रों में राष्ट्रीयता भाव को जगाएं। इस अभियान के तहत पूरे औरंगाबाद जिला में 250 प्रमुख कार्यकर्ता प्रत्येक महाविद्यालय प्लस टू विद्यालय में जाकर सेल्फी लेते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।